bar! Justice! Food 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 bar! Justice! देखिए मैम, आज 3 साल हो गया हमें जो है जम्मू के चक्कर काटते हुए, ठीक है। तो JKSSB ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी जिसमें 8,725 पोस्टें थी, तो लगभग 3 साल हो गए हैं कि हमें मतलब ये इसमें क्वालिफाई किया हुआ था। हमारे साथ के बच्चे जो लगे थे 5200 बच्चे लग गए थे, और उसमें से इन्होंने कुछ बच्चों को पेंडिंग में छोड़ दिया था। तो इन्होंने क्या किया, अभी 2 महीने पहले लिस्ट निकाली, पहले बच्चे तो जो हमारे साथ थे वो तो ज्वाइन कर चुके हैं, उनको तो 9-9 महीने हो गए उनकी जो एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने तो अपनी पे वगैरह सारा कुछ ले लिया, लेकिन बट हमारा अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। 2 महीने पहले इन्होंने लिस्ट निकाली, उन्होंने मतलब निकाली, उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने जो है लिस्ट विड्रॉल कर ली। विड्रॉल करने के बाद जब हम जाके JKSSB में गए तो उन्होंने बोला कि भाई आपकी विद इन फ्यू डेज आपकी आ जाएगी, उन्होंने बोला कि भाई आपके 15 दिन के बाद आपकी लिस्ट आ जाएगी। तो फिर हम JKSSB में गए, उनको बोला कि भाई नहीं अभी रुको, कुछ लीगल इशू आ रहा है, कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है इसमें कंप्यूटर में, तो आपकी जल्दी हो जाएगी। आज लगभग 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक हमारी लिस्ट का कोई आता पता नहीं है, जबकि हमारे साथ के बच्चे 9-9 महीने की सैलरी ले चुके हैं। अगर कोई टेक्निकल इशू या फिर कोई लीगल इशू था तो जो 5200 बच्चे लगे उनको क्यों नहीं इशू था? अगर उनको हमारे जो 3400 बच्चे अभी बचे हैं पेंडिंग में उनके लिए लीगल इशू आ रहा है तो उनके लिए भी लीगल कोई उन्होंने जो है कि ऑफिशियली कोई उन्होंने नहीं बताया कि भाई क्या आ रहा है, उन्होंने कुछ नहीं बताया, कोई क्लियर नहीं किया, अभी कुछ भी नहीं बता रही है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कहीं भी किसी भी स्टेज पे हमारा चेक कर लें, वो हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिस के अंदर, पुलिस वेरिफिकेशन, CID वेरिफिकेशन, सब कुछ कंप्लीट आज से 6-6 महीने पहले की हो चुकी है। इन्होंने ये कहा था कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम आपका नाम नहीं आ पा रहा है, जिससे हमको गवर्नमेंट से टेकअप मिलता है, हम आपकी हेल्प हम कर देंगे, उसी 10-15 दिन के अंदर आपकी हम फाइनल लिस्ट भी निकाल देंगे। तो वो गवर्नमेंट से इनको टेकअप फरवरी में मिल गया था, फरवरी से टेकअप मिलने के बाद इन्होंने 2 महीने लिस्ट तैयार करने में लगाए, फिर उसके बाद 1.5 महीने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 1 महीना और लगाया, फिर जाके इन्होंने प्रोविजनल लिस्ट निकाली। प्रोविजनल लिस्ट निकालने के 3 दिन के बाद इन्होंने वो लिस्ट को वापस विड्रा कर दिया कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, और इन्होंने कहा कि माइनर चेंजेस लाने हैं जो टेक्निकल इशू की वजह से, एरर की वजह से रह गए, हम 5-10 दिन के अंदर आपका काम कर देंगे। हम यही चीज़ पूछना चाहते हैं कि अगर आपको लिस्ट बनाने में 4 महीने लगे, लिस्ट निकालने में 5-6 महीने लग गए, तो एक छोटे से टेक्निकल एरर को कंप्लीट करने में आपको 2 महीने लग गए, आपको अभी तक टेक्निकल एरर कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब मैम, जैसे ये एक स्पेशल रिक्रूटमेंट थी, मैं आपको बताना चाहूँगा स्पेशल रिक्रूटमेंट ये था कि जो ग्रेजुएट्स थे वो एलिजिबल नहीं थे इसके लिए, तो ग्रेजुएट्स का मसला था, हम में से कोई ग्रेजुएट भी, हम अंडर ग्रेजुएट जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जब हमारी ज्वाइनिंग पड़ेगी, क्योंकि इतना तो हमको पता कि हम सिलेक्ट हैं, हमारी सिलेक्शन हुई है, इसमें कोई इशू नहीं है, जब हम 5 महीने जितना JKSSB टाइम लगा रही है, आप पता नहीं और कितना लगाएगी उस स्टेज में। अब जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा अभी 2nd ईयर चल रहा है, अगर उस स्टेज में अगर मैं 5th सेमेस्टर अपने फाइनल ईयर में हुआ, मुझे अपनी ग्रेजुएशन छोड़नी पड़ेगी, जब मैं अपनी ग्रेजुएशन छोड़ूंगा मेरा कितना पैसा वेस्ट जाएगा? अगर हमारे पास इतना पैसा ही होता कि हम 4th क्लास की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते, हमारी सर डिमांड, हमारी डिमांड कुछ नहीं है, हमारी डिमांड कुछ है, डिमांड उनकी होती है जिन्होंने कोई लाना होता है, हमको हमारा हक चाहिए, जो चीज़ हमने अचीव की हुई है हम बोल रहे हैं, जिस चीज़ पे हमारा हक है, जो चीज़ हम अपनी अचीव करके, पढ़ाई लिखाई करके, अपनी मेहनत करके जो चीज़ हमने अचीव किया, हमारी चीज़ हमको दी जाए।